अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल वुड बी फाइन। हाउ आर यू रुमेसा, हाउ आर यू अलिया, वेलकम टू tutrick.com। अच्छा बेटा, जिन स्टूडेंट्स को tutrick ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपने बेटा tutrick को कैसे ज्वाइन करना है, आपने विजिट करना है www.tutrick.com और वहां पर जाकर आपने बेटा साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लासेस को ज्वाइन करना है। दिस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी एंड ए लेवल्स। आप अपने रेलेवेंट क्लासेस को ज्वाइन करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें। रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आप बेटा रेलेवेंट जो है सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करें, सब्जेक्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, राइट। उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें बेटा आपके साथ स्केड्यूल शेयर किया जाएगा जिसमें आपको टाइमिंग्स बता दी जाएंगी, राइट। और वहां पर आपके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है, वर्कशीट्स है, पास्ट पेपर्स है, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको कुछ वीडियोज या प्ले बैक्स भी मिलेंगे जो आपके स्किप हो गए हैं वीडियोज, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और बेटा अपने बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम निष्पा अशरफ एंड आई एम टेकिंग बायोलॉजी फॉर ओ लेवल्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन दिस 2022, राइट। हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ है इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से, और हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने ओवरऑल ओ लेवल्स का जो सिलेबस है फॉर 3 ईयर्स वो हमने रिवाइज किया है, राइट। और अब जो है हम बेटा इसके पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, और पास्ट पेपर जो है अभी हमने पेपर 2 और पेपर 6 करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका 10th मई को जो है पेपर 6 है, और उसके बाद 11th मई को आपको आपका पेपर 2 है। तो अभी बेटा हम जो है पेपर 2 और पेपर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम इन पेपर 1, एज पेपर 1 इज ऑन 10th of June। सो हम उस जो 1 मंथ होगा गैप होगा बिटवीन द 11th मई एंड द 10th of June, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पेपर 1 करेंगे, राइट। तो अच्छा बेटा, अब हमने पेपर 2 स्टार्ट किया हुआ है। ये जो है होपफुली स्क्रीन इज विजिबल विद यू, यू कैन लेट मी नो थ्रू आवर टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स, राइट। ये जो बेटा पेपर है दिस इज 5090 समर 20 क्वेश्चन पेपर 2-1, ठीक है। हम वेरिएंट 2-1 कर रहे हैं और दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो है हमें ज्वाइन करते रहेंगे इसमें। बेटा आप देखिए, लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1। This is the diagram shows the pathway taken by a hormone, right, from cell A, where it is produced. Cell A में बेटा ये produce हुआ है, right, and this is taken to cell C that it affects, right. Targeted cell जो है that is C, यहाँ पर ये जा रहा है and it is produced in cell A जो है यहाँ पर produce हुआ है. This is the hormone and this is taken to heart first. ठीक है, हार्ट के बाद इट इज टेकन टू द सेल सी विच इज द टारगेटेड सेल, ओके। और ये जो हार्ट से लेकर जा रहा है दिस इज अच्छा ब्लड वेसल बी पर आप देखें, इट इज बीइंग डिफ्यूज्ड इनटू द सेल सी, यहाँ पर ये जाकर डिफ्यूज हो रहा है। एंड दिस स्मॉलर पार्टिकल्स दीज आर एक्चुअली शोइंग द हॉर्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। स्ट्रक्चर्स आर नॉट ड्रॉन टू द सेम स्केल, राइट। चले अब हम देखते हैं कि वॉट इज द एग्जामिनर आस्किंग, identify the type of the blood vessel B. अच्छा यहाँ पर बेटा आप देखें कि this is the blood vessel B. आप देखें कि अच्छा चले यहाँ पर हम देख लेते हैं the blood vessel which carries, right, which carries blood towards the heart. ये हमारे पास क्या होती है, this is basically vein. Vein carries material और ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, सो ये हमारे पास वेन होगी। अच्छा और वेन के बाद जहां पर आप देखें द वन विच कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हमारे पास दिस इज आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी हो गई। आर्टरी कैरीज मटेरियल अवे फ्रॉम द हार्ट, ये आर्टरी हो गई। और द वन विच कैरीज मटेरियल टूवर्ड्स द हार्ट दैट इज नोन एज द वेन, दिस इज द वेन एंड दिस इज द आर्टरी, राइट। अच्छा इसके बाद आप बेटा देखें कि दिस इज द ब्लड वेसल एट विच द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इज टेकिंग प्लेस। अब बेटा बी पर देखें, मटेरियल्स आर बीइंग डिफ्यूज्ड इनटू द सेल सी और हॉर्मोन्स आर बीइंग डिफ्यूज्ड इनटू द सेल सी।
ठीक है, तो हमें पता है बेटा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल्स और बिटवीन द ब्लड एंड द सेल दैट टेक्स प्लेस एट विच लेवल, कैपिलरी लेवल. सो दिस इज बेसिकली कैपिलरी, राइट. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ब्लड वेसल बी. व्हाट इज ब्लड वेसल बी? दिस इज कैपिलरी. ठीक हो गया. अच्छा जी, दिस इज फॉर वन मार्क और कैपिलरी जो है इट विल गिव अस वन मार्क. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ. एक्सप्लेन द वेज इन विच दिस टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज अडेप्टेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस इज फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, ये एक नंबर का था, हमने कैपिलरी लिखा है. 4 मार्क्स के लिए हमने बेटा कैपिलरी की जो है एटलीस्ट ट्राई करने हैं कि हम इसमें 4 फीचर्स लिखें. ठीक है, तो जो कैपिलरीज हैं वो क्या होती हैं? दे आर, चले लेट्स राइट डाउन द 4 फीचर्स फॉर 4 मार्क्स ऑफ कैपिलरीज. एंड फर्स्ट इज दैट कैपिलरीज आर 1 सेल थिक. दे आर 1 सेल थिक, राइट. और यू कैन राइट डाउन दे आर थिन. अच्छा, बिकॉज ऑफ बींग 1 सेल थिक और 1 सेल थिन, इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्टर, राइट. अच्छा, इसके अलावा जो है दीज आर वेरी स्मॉल. ओके, और स्मॉल के अलावा जो है दे आर ऑल्सो नैरो. और उसके अलावा जो है बेटा इसमें क्या आएगा? दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. ठीक है. अच्छा, बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स बेटा दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और दे अलाउ मोर डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टू द सेल्स, राइट. अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स यू कैन राइट डाउन दैट दीज फीचर्स विल अलाउ मैक्सिमम अपटेक ऑफ, इट विल अलाउ मैक्सिमम अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स. But here we have to specify or write it according to the hormones. It will allow maximum uptake of hormone, right? Maximum uptake of hormone into the two targeted cell, right? By which process? It will be by the process of diffusion, right? And we will be given marks according to the points as I have written. ठीक है, अब हम इसकी मार्किंग देखते हैं. फॉर 4 मार्क्स हाउ वी आर गोइंग टू मार्क दिस? 1 सेल थिक, दिस विल गिव अस 1 मार्क. दीज आर स्मॉल और नैरो. नैरो की वजह से क्या होगा? ब्लड विल फ्लो क्विकली थ्रू इट, राइट. एंड इट हैज लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स देर विल बी मैक्सिमम diffusion of the hormone to the targeted cell and they will move by the process of diffusion. So the points which I have highlighted here, they are going to give us the marks and I think these are the 5 marks. ठीक हो गया. चलिए बेटा अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. State how the molecules of the hormones are transported through the blood vessel B. How these molecules are transported through the capillaries, right, and they are transported through plasma ko lekar ja rahe hai, right, and they are transported in the solution form or they are transported through blood, right. Aap isko keh sakte hain they are transported through blood. Aur blood mein aapko pata hai there are the 2 parts. One is the plasma which is the liquid part and second क्या है बेटा? That is the solid part which are the blood vessels. और जो hormones हैं they are transported actually through the plasma. So in blood they are transported through the plasma in the form of solution, right. So they are transported through blood plasma in the form of solution. This is for 2 marks. ठीक है, चलिए बेटा अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
दिस इज रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स फॉर अगेन नाउ दे आर आस्किंग फॉर अ नेम्ड हॉर्मोन आइडेंटिफाई द ग्लैंड कंटेनिंग सेल ए. अच्छा इसमें बेटा आप कोई सा भी हॉर्मोन लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा आइडेंटिफाई द ग्लैंड जो है, हॉर्मोन हम लिखेंगे, ग्लैंड लिखेंगे उसका जो है सेल ए, ओके. देन एन ऑर्गन कंटेनिंग सेल सी, और उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे और इफेक्ट लिखेंगे ऑफ दैट हॉर्मोन. ए इज द वन दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन, राइट. और हमारे पास जो सी होगा दैट इज बेटा टारगेटेड ऑर्गन, ठीक है. चले तो हम जो है बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है जो हम काफी स्टडी करते हैं इन आवर सिलेबस, दैट इज नेम्ड हॉर्मोन दैट इज इंसुलिन. ओके लेट्स राइट डाउन नेम्ड हॉर्मोन दैट इज इंसुलिन. दिस इज द नेम्ड हॉर्मोन. और उसके बाद जो है आप दूसरा देखें द ग्लैंड दैट इज कंटेनिंग ए. इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, राइट. अच्छा ऑर्गन कंटेनिंग सी टारगेटेड ऑर्गन है, राइट. तो सी जो है ये किसको बेटा अफेक्ट करता है? टारगेटेड जो है दैट इज लिवर, या इसमें मसल्स भी होता है बिकॉज इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड, राइट. सो फंक्शन इज इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, राइट. और जो बेटा सेकेंड फंक्शन इनका है दैट इज द ग्लाइकोजन स्टोरेज. ग्लाइकोजन स्टोरेज इज ऑल्सो देयर फंक्शन, ठीक है. तो बेटा दिस इज फॉर 4 marks. तो इसकी मार्किंग जो है सीधी सीधी होगी. नेम दिस विल गिव अस 1 mark, ठीक है. एक नंबर जो है बेटा इंसुलिन का होगा, 1 विल बी फॉर पैनक्रियास, ठीक है. 1 जो है दैट विल बी फॉर द लिवर या मसल, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. एंड 1 विल बी फॉर द फंक्शन. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू गेट 4 marks. इसकी मार्किंग इस तरह होगी, ठीक है. वेरी सिंपल. चले अब हम इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सेल सी इज वन ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स मेकिंग अप एन ऑर्गन, ठीक है. सी जो है हमें पता है कि यहाँ पर जो है वी हैव नेम्ड एज द लीवर और द मसल है, राइट. सिमिलर सेल्स, इट्स मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स मेकिंग अप एन ऑर्गन. सेट द नेम गिवन टू एन ऑर्गन अफेक्टेड बाय द हॉर्मोन, राइट. तो ये जो है द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड बाय द हॉर्मोन दैट इज नोन एज द टारगेटेड ऑर्गन. उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? दैट्स द टारगेटेड ऑर्गन. यू आर नॉट गोइंग टू राइट लिवर और मसल हियर, ठीक है. द वन विच इज अफेक्टेड बाय द हॉर्मोन दैट इज नोन एज द टारगेटेड ऑर्गन, ये हम कर लेंगे, राइट. सो ये बेटा हमारा 12 marks का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है. इट वॉज वेरी सिंपल, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दिस अगेन, ठीक है. बहुत ही सिंपल था, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन था, वेरी इजी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, ओके. एंड थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू वी विल सी प्लांट न्यूट्रिशन और इकोलॉजी, ठीक है बेटा. इसका सेकंड क्वेश्चन आप देखें. सेकंड इज नेम अ सब्सटेंस इन अ हेल्दी डाइट, राइट, lack of which leads to the softening of the bones in children, ठीक है. वो कौन सा बेटा मिनरल है या सब्सटेंस है जिसकी डेफिशिएंसी से सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है, विच लीड्स टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, वो कौन सी है? दैट इज बेसिकली विटामिन डी या कैल्शियम भी आप, ठीक है. इसमें कैल्शियम लिखिए, दिस इज कैल्शियम. कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस भी हो सकता है, ठीक है, या इसमें बेटा विटामिन डी भी हो सकता है बिकॉज द विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड. तो इसमें से बेटा यू कैन राइट डाउन एनी वन ऑफ दिस 3, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बेटा कैल्शियम या विटामिन डी लिखें, और यू कैन राइट डाउन इवन ऑल दिस 3 टू. नेम अ फूड दैट कंटेन दीज सब्सटेंसेस, ठीक है. फूड में आप देखिए बेटा विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है दैट इज चीज. एग योक इज ऑल्सो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. इसके अलावा, ठीक है,
इसमें जो है आप चीज लिख लें, चीज इज द बेस्ट सोर्स, उसके अलावा एग, योक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अच्छा, और कैल्शियम के लिए आप बेटा इसमें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स लिख लें, राइट। और फॉस्फोरस के लिए मिल्क, या कैल्शियम के लिए भी आप मिल्क लिख सकते हैं, ठीक है। एनी इस अच्छा इसमें बेटा आपने जो है इफ यू आर राइटिंग कैल्शियम, अगर आप ऊपर लिख रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉन्ड्स का जो रीजन है, आप अगर लिख रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो आप बेटा नीचे जो है कैल्शियम के सोर्स लिखेंगे, ठीक है। कैल्शियम के जो सोर्स हैं वो क्या है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साइड पर हम इसको लिख लेते हैं, आप वो लिखेंगे। अगर आप ऊपर जो है रीजन लिख रहे हैं विटामिन, ठीक है, अगर हम बेटा यहाँ पर कैल्शियम लिखते हैं, तो हम बेटा कैल्शियम के सोर्स लिखेंगे इसमें आपके ग्रीन वेजिटेबल्स या मिल्क इज द बेस्ट सोर्स, वन इज रिक्वायर्ड, आप मिल्क लिख रहे हैं। इसी तरह अगर आप बेटा यहाँ पर लिख रहे हैं विटामिन डी लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग विटामिन डी, तो हम क्या करेंगे, विटामिन डी के सोर्सेज लिखेंगे, विटामिन सी के, डी के सोर्सेज क्या है, दैट इज चीज, ठीक है, एग योक, एग योक के अलावा आप बेटा सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम इसमें से सोर्सेज लिख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम अमर बेटा, कैसे हो आप, ठीक है। यू हैव ज्वाइंट लेट, हमने इसका वैसे एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बट दैट वॉज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, दिस इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, न्यूट्रिशन, ठीक है। आप इसको जो है देखें, अभी अभी हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पर बेटा अगर आप रीजन दे रहे हैं कि बोन्स जो है दे बिकम सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो आप नीचे जो है बेटा विटामिन डी का सोर्स लिखेंगे, राइट। अगर आप ऊपर कैल्शियम लिख रहे हैं तो फिर नीचे आप कैल्शियम का ही सोर्स लिखेंगे, ठीक है। ये आपका पैरेलल होना चाहिए आंसर, एक नंबर जो है इसका मिनरल का है और एक नंबर जो है इसका सोर्स का है, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं ग्राफ को। ग्राफ में जो है आप देखें टू ग्रुप्स ऑफ द पीपल ई एंड एफ, ठीक है, दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट, दे आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट, द ग्राफ शोज द एवरेज टाइम टेकन फॉर द फूड टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल फॉर दिस टू ग्रुप्स, ठीक है। एक बेटा ई है, ई इज दिस शेडेड वन, डार्क डार्कली शेडेड वन, और जो एफ है दैट इज दिस लाइटली शेडेड वन, लाइटर ग्रे। अच्छा, डेट ओके, डिफरेंट टाइम इज टेकन बाय दिस टू पर्सन, taken by the diet of these two person to pass through the alimentary canal. Achha, proportions of the people in each group, हम यहाँ पर देखते हैं average time taken, time जो it's taken on x axis. अच्छा, इसमें देखें बेटा 5 to 15 hours time is in hours. इसमें आप देखें ग्रे जो है इसको बेटा proportion of people in each. अच्छा, it is taken by more people are taken taking this diet. जो f है, ठीक है, इसके अब हम डाइट से हमें आइडिया हो जाएगा, ये टाइम हो गया। उसके बाद फिर आप आगे देखें टाइम, ये 16 to 25 hours में ये जो भी लोग बेटा ले रहे हैं इनके आप डाइट देखें। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो इट इज डिक्रीजिंग, दिस वन इज डिक्रीजिंग, और ये जो हम डार्कर देख रहे हैं ग्रुप ई जो है ये ओवर 45 hours तक भी ये ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है क्या बेटा, इसमें देखें कि ये जो हमारे पास लाइटर ग्रे है, दिस फूड हैव बीन डाइजेस्टेड और, ठीक है, एब्जॉर्ब और डाइजेस्टेड बाय द पीपल, जो हमारे पास ये डार्कर ग्रे है इसमें हम देखते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, इवन आफ्टर 45 hours भी, ठीक है। तो हम देखते हैं नेम द प्रोसेसेस दैट कॉजेज द फूड, हियर वी हैव टू नेम द प्रोसेस दैट कॉजेज द फूड टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ये कौन सा प्रोसेस होता है अमर, ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच द फूड पासिस टू द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द कौन सा प्रोसेस है, दैट इज पेरिस्टेल्सिस, दिस इज पेरिस्टेल्सिस, peristalsis is the process through which the food moves through the alimentary canal,
सजेस्ट हाउ द डाइट ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ द पीपल मे बी डिफरेंट, ठीक है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर है. इसमें हमने देखा है कि बेटा जो लाइटर ग्रे है ग्रुप एफ के पीपल की जो डाइट है वो आप देखें कि आफ्टर 35 आवर्स इट इज डाइजेस्टेड ऑलमोस्ट, ठीक है. और इसमें जो हमारे पास ये है ग्रुप ई के है जो है इट इज स्टिल, ठीक है, टेकन बाय देम इवन आफ्टर 45 आवर्स. तो इसमें जो है आप देखें जो बेटा ग्रुप ई है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, हम ई लिखते हैं और एफ लिखते हैं. ई ग्राफ से हमें आइडिया हुआ है बेटा इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज ई, इट टेक्स लॉन्गर टाइम पास थ्रू एलिमेंट्री कैनाल और हम गट लिख देते हैं, ठीक है. दूसरा जो है ई में हो सकता है बेटा कोई ऐसी डाइट हो विच इज टेकिंग मोर टाइम टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है, और डाइट में जो प्रोटीन कंटेंट होता है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी डाइजेस्टेड, सो वी कैन से दैट इट कंटेन्स मोर मीट, ठीक है, ये भी हो सकता है. और इसमें जो है, ठीक है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, 2 रीजन हम इसके लिखते हैं और 2 जो है हम एफ के रीजन बता देते हैं. एफ का बेटा क्या रीजन हो सकता है, उसमें आप देखें कि लेस मीट कंटेंट भी हो सकता है, या हम दूसरा देख सकते हैं कि एज इट इज बीइंग क्विकली पास टू द एलिमेंट्री कैनाल सो देयर माइट बी रीजन कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इट माइट हैव मोर फाइबर्स बिकॉज फाइबर्स हेल्प इन पेरिस्टेल्सिस, इट माइट हैव मोर फाइबर्स दैट्स व्हाई इट इज पासिंग क्विकली थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल है, राइट. एंड इसी का ही हम रीजन बता देते हैं, मोर फाइबर्स दे विल एड मोर बल्क टू द फूड बिकॉज ऑफ विच द फूड विल पास क्विकली थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल और वी कैन से इट एड मोर बल्क फॉर पेरिस्टेल्सिस. ठीक हो गया बेटा, 4 वी हैव रिटन एंड दिस इज सफिशिएंट. एक ये हो गया, ये आप देखें बेटा इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम जो है आपको पता है प्रोटीन्स टेक मोर टाइम्स टू बी डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, सो वी कैन से दिस डाइट और दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर टेकिंग मोर प्रोटीन्स, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है, एंड देयर फूड इज टेकिंग मोर टाइम टू बी पास टू द एलिमेंट्री कैनाल और द गट, 2 reasons, राइट. और एस के भी हम बता देते हैं एज इट इज बीइंग पासिंग वेरी क्विकली थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल सो दे माइट हैव मोर फाइबर्स इन देयर डाइट, राइट, सो दैट्स व्हाई मोर बल्क इज बीइंग एडेड इनटू देयर फूड व्हिच इज हेल्पिंग इन पेरिस्टेल्सिस एंड व्हिच इज हेल्पिंग देयर फूड टू पास क्विकली थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. 3 reasons आर रिक्वायर्ड, वी हैव रिटन 4. आगे हम देखते हैं suggest reasons why it may be disadvantage for the food to pass through the alimentary canal very quickly. ठीक है, चलें आप बताएं इसमें बेटा अगर जो है food it will pass very quickly through the alimentary canal तो उसका नुकसान क्या होगा. आप देखिए बेटा अगर जल्दी पास करेगा तो food will not be properly digested, ठीक है, there will be less time for the absorption और इसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, it can lead to malnutrition, ठीक है, इनबैलेंस डाइट भी हो सकती है बिकॉज न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी एब्सॉर्ब, सो वी कैन राइट डाउन हियर, ओके, ठीक है. इसमें बेटा क्या होगा, लेस टाइम फॉर फूड टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड एंड absorbed, ठीक है. एक तो ये रीजन हो गया which might lead to malnutrition. Malnutrition can be undernutrition, ठीक है, you are taking less diet than the required, so that's not leads to malnutrition. Overnutrition also leads to is also one of the type of the malnutrition, ठीक है. अच्छा, इसमें जो है बेटा may have डायरिया, ठीक है, इट माइट लीड टू डायरिया बिकॉज ऑफ द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉटर एज इट्स बीइंग क्विकली पास टू द एलिमेंट्री कैनाल और इसमें जो है ना पर्सन विल नॉट हैव द
नॉट हैव बैलेंस डाइट. अगेन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मैलन्यूट्रिशन बट राइटिंग इन दिस वे कैन गिव अस एन अदर मार्क. ठीक है, इसमें बेटा देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है. इफ इट इज बीइंग क्विकली पास्ड टू द एलिमेंट्री कैनाल, एक तो उसको डाइजेशन का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसको एब्जॉर्प्शन का भी टाइम नहीं मिलेगा. बिकॉज इफ इट विल मूव स्लोली थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इट विल बी मोर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स. दिस इज द रीजन दैट द विलाई हैव लार्जर सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो लार्जर विच गिव्स मोर टाइम टू द फूड टू पास थ्रू सो दैट मोर फूड शुड बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अच्छा, एंड दिस विल लीड टू द मैलन्यूट्रिशन एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू द इम्बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन. तो कुछ चीजें अब्सॉर्ब होंगी, ठीक है, कुछ नहीं होंगी, तो इट विल लीड टू इम्बैलेंस्ड डाइट, इट विल लीड टू मैलन्यूट्रिशन. मैलन्यूट्रिशन की वजह से फिर फर्दर जो है वो प्रॉब्लम होंगे वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करते. और एक जो है यहाँ पर हम बता देते हैं, इट माइट लीड टू द डायरिया बिकॉज ऑफ द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर. टू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसमें से कोई से भी टू पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. टोटल मार्क्स जो है 8 है इस क्वेश्चन के. इसको हमने बेटा ओवरऑल जो डिस्कस कर लिया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ठीक है, इसमें बेटा देखिए, द फोटोग्राफ शोज एन इंसेक्ट कॉल्ड द लीफ ऑपर. When it feeds, its mouth parts penetrate the xylem. ये xylem तक इसके mouth parts जा रहे हैं, tentacles, ठीक है, of the plant on which it lives. ठीक है, can you see here, कहाँ तक जा रहे हैं, xylem तक जा रहे हैं. Leaf hoppers carry disease causing bacteria from plant to plant. ठीक है, तो इसका मतलब this is बेटा vector which is transferring disease from one plant to another plant. As state the term used for a disease causing ऑर्गेनिज्म है. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर द पैथोजेंस. ठीक है, वी हैव स्टडीड, दे आर पैथोजेंस. नेक्स्ट इज स्टेट द टर्म यूज्ड फॉर एन एनिमल सच एज इंसेक्ट दैट कैरीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ये बेटा क्या होता है, दिस इज वेक्टर जो मैंने आपको इन बैक्टीरिया भी पढ़ाया था व्हाइल वी वर स्टडीइंग अबाउट द प्लाज्मिड. Vector is the transferring agent that transfers disease-causing agents from one organism to another. Hai, jisna beta mosquito hai. Mosquito also transfers plasmodium from the infected person to the healthy. ठीक है, इसको हम vector बोलते हैं. One mark का है. The bacteria carried by the leaf hopper reproduce inside the plant stem and block the xylem. So just an explain why this can cause the leaves of the plants to wilt. It's very easy. ठीक है, अच्छा बेटा, when they will pierce the plant and penetrate their tentacles or style into the xylem. ठीक है, for sucking water. तो उसमें क्या होगा, they will insert the bacteria which they are carrying into their mouth. और bacteria वहां पर जाकर xylem को ब्लॉक कर देगा. अच्छा, व्हेन द ज़ाइलम विल बी ब्लॉक्ड वाटर विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से प्लांट विल विल्ट. ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर वे में लिखते हैं. वाटर इट इज लॉस्ट फ्रॉम लीव्स. ठीक है, थ्रू या बाय, इट इज लॉस्ट थ्रू leaves by transpiration. Transpiration के through it is being lost, right? And it is, अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास बेटा the lost water it will not be replaced by, it will not be replaced It will not be replaced by water from roots. Okay, because the xylem is blocked and plant will lose turgidity. Right, and they will wilt. It's very easy. सिंपल बेटा, बट हमने इसको 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कितना करना है, पहले आपने बताना है कि जो वाटर है बेटा, एक्स्ट्रा वाटर और वाटर इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन.
वाटर इज बींग लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू जाइलम। ठीक है, यहाँ पे हम जाइलम में लिख देते हैं, इट इज रिप्लेस थ्रू द जाइलम, एज द जाइलम आर ब्लॉक्ड सो इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड, राइट, एंड द प्लांट विल लूज वाटर विच विल लीड टू द विच विल लीड टू लॉस इन द टर्जिडिटी एंड इट विल लीड टू द विल्टिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, 4 मार्क्स का है। द लीव्स ऑफ द प्लांट, नेक्स्ट पार्ट हम इसका बेटा देखते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स अफेक्टेड बाय दीज बैक्टीरिया मे ऑल्सो डिवेलप वाइट पैचेस, जस्ट रीजन फॉर दिस है। ठीक है, वाइट पैचेस बेटा क्यों होंगे, आप देखिए, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स अफेक्टेड बाय दीज बैक्टीरिया। अब आप देखिए, जाइलम जो है बेटा वो ब्लॉक हो गया है, जाइलम से वॉटर तो नहीं जा रहा, वॉटर के साथ साथ क्या जाता है, मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स में जो है मैग्नीशियम इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, जाइलम से ही वो जाते हैं बेटा लीव्स में, देयर दे मेक द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर। अगर क्लोरोफिल नहीं सिंथेसाइज हो रहा बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम, तो उसमें क्या होगा, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर वी विल सी सम ऑफ द वाइट पैचेस। तो इसे हम लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ, या हम इसमें आप लिख देते हैं मैग्नीशियम, इस तरह हम बेटा लिख देते हैं, मैग्नीशियम विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, और उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, दैट एंड इट विल लीड टू येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, या वाइट पैचेस, ठीक है, वाइट पैचेस भी आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, राइट। चले इसका बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, she just an explanation for the fact that the fruits of the plants affected by these bacteria are small and poorly developed. ठीक है, अगेन इसको हम किससे रिलेट करेंगे बेटा, जो ग्रोथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा एक तो आप देखें, इसको हम 3-4 वेज में बेटा रिलेट कर सकते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप देखें कि लेस वॉटर है, ठीक है, लेस वाटर की वजह से दे विल बी लेस फोटोसिंथेसिस। दे विल बी लेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका हम कर लेते हैं, दिस इज द लेस फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लेस फोटोसिंथेसिस होगा तो इससे लेस ग्लूकोज, राइट, अच्छा ग्लूकोज हमने कम बना लिया है। दूसरा आप देखिए बेटा, जो जाइलम है दैट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, जाइलम जो है आप देखें, जाइलम इट इज ब्लॉक्ड, राइट। जाइलम में से क्या जा रहा होता है, जाइलम के थ्रू जो है प्लांट्स आर टेकिंग नाइट्रेट्स। अच्छा जी, ब्लॉक्ड है सो नो नाइट्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड, no nitrates transported। ठीक है, अच्छा अब nitrates जो है बेटा, nitrates आपको पता है they combine with glucose and they form amino acids, तो इसमें आप लिखेंगे no amino acids formed या less amino acids कर लें। ठीक है, no or less amino acids formed, right। अच्छा, if less amino acids are formed it will lead to less proteins and less proteins की वजह से there will be less growth or no new protoplasm or no yield। ठीक है, less growth or less yield of the fruits। ठीक है, इस तरह बेटा हमने इसको relate करना है, this will be sufficient, इतना ही हम इसको लिखेंगे।
ठीक हो गया। यहाँ पर बेटा हम इसको एक फोटोसिंथेसिस से रिलेट कर दें, बिकॉज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो आप इसमें देखेंगे कि व्हाट जाइलम इज ब्लॉक्ड, वाटर नहीं जा रहा, वाटर नहीं जा रहा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सो देयर विल बी लेस फोटोसिंथेसिस, लेस ग्लूकोज। फिर आप आगे स्टार्च भी अगर बना लें, ठीक है, वो भी ठीक है, या ग्लूकोज तक भी आप छोड़ दें, तो दैट विल बी सफिशियंट, बिकॉज दिस इज फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, दूसरा हम इसको रिलेट करेंगे कि बेटा जो जाइलम से है, प्लांट्स आर टेकिंग द मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स में कौन सी चीज ले रहे होते हैं, दे आर टेकिंग द नाइट्रेट्स, राइट, एंड नाइट्रेट्स आर एक्चुअली कंबाइनिंग विद द ग्लूकोज विच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वहां पर भी ग्लूकोज कम बन रहा है, राइट, और जो नाइट्रेट्स एंड दे आर ऑल्सो बींग ट्रांसपोर्टेड इन द लेस प्रोपोर्शन, सो दे विल बी लेस अमीनो एसिड्स देयर, राइट, दे विल बी लेस अमीनो एसिड्स, एंड लेस अमीनो एसिड्स की वजह से क्या होगा, लेस अमीनो एसिड्स विल मेक द लेस प्रोटीन्स, राइट, और प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, तो प्रोटीन्स आपको पता है दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द न्यू सेल्स, और दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, न्यू सेल्स नहीं बनेंगे, तो देर विल बी लेस ग्रोथ और लेस यील्ड, या फ्रूट जो है दे विल बी स्मॉलर, ठीक है। इस तरह हमें इसको रिलेट करना है, दिस वॉज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो है इसको बेटा हम कल करेंगे, ठीक है, क्लास टाइम इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, सो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ नाउ, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, आप बेटा कुछ पूछ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो, अमल अलीहा और मैसा दोज हु आर प्रेजेंट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन, जो रेगुलर बेटा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, होप सो दिस क्लासेस आर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आपने बेटा कुछ पूछना हो यू कैन आस्क, एंड इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स। आई एम गोइंग टू साइन आउट, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अमर।